इस न्यूज के प्रायोजक हैं होमा गिफ्ट मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर प्रभाग क्रमांक 14 जगदम्बा चौक परिसर के इमामबाड़े दाल गली में नगर सेविका साजिदा बानो शेख के निधि से ड्रेनेज लाइन का उद्घाटन नगर सेवक तौफीक शेख के हाथों किया गया। हमारे सहयोगी साथी सालिक पटेल की एक रिपोर्ट। नगर सेविका शाजिया शेख बात कर रही हूँ। जब से हमने निवड़ के आए वैसे तो हमारे को बजट की बहुत किल्लत हुई है, क्योंकि भाजपा के जो सरकार है हमको स्टार्टिंग में एक दो साल तो हमको बजट मिला ही नहीं, और उसके बाद प्लस पॉइंट ये हुआ कि कोरोना भी शुरू हो गया था। तो अभी तक जहाँ पे भी सोलापुर में जितने भी प्रभाग है वहाँ पे सबको भी निधि की बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन जहाँ तक हो सके हमने सभी नगर सेवकों ने जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे वो लोगों के डिमांड पर वहाँ पे हमें काम डाला है। तो मेरा जो काम है यहाँ पे मैंने अभी तक जो है अभी मेरा आज जो मेरा ये हुआ है उद्घाटन हुआ है इमामबाड़े में नाना के हॉल के सामने मेरा 6 से 7 लाख का बजट है रोड का, और दाल गली में मेरा ड्रेनेज का भी है और कंक्रीट का भी मैंने वहाँ पे बजट डाला हुआ है। इमामवाड़े से लेकर गणपति मंदिर तक मैंने वहाँ पे रोड का बजट डाला हुआ है। शेख जमात में भी मेरा रोड का बजट चालू है। स्मार्ट सिटी के अंदर मैंने इंडिया कैंटीन से लेकर अपना वसंत राव स्कूल तक मेरे रोड का बजट डाला हुआ है। राहुल गांधी में मैंने ड्रेनेज का बजट डाला हुआ है, और वहीं पर जो रंग भवन के पीछे साइड में मेरा रोड का बजट चल रहा है, सिरे पर मेरा रोड का बजट चल रहा है, और अपना जो शाहपुर चाली के पीछे साइड भी मेरा मैंने वहाँ पे कंक्रीट किया है। अशफाकुल्ला हॉल में भी 3 नंबर स्कूल में मैंने वहाँ पे बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ के बहुत बच्चे गरीबी से आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने बोर का भी डाला काम की हुई हूँ, प्लस कंक्रीट का भी काम की हुई हूँ। और उसके अलावा खासदार माजी खासदार जो है बंसोड़े उनके घर के सामने मैंने 1.5 लाख का ड्रेनेज का काम डाला हुआ है। उसी के साथ साथ मेरे एक दो जगह जो है अब स्मार्ट सिटी के अंदर भी मेरे काम चल रहे हैं और हुए भी हैं, और जहाँ तक हो सके मैं वहाँ पे लोगों के जो भी डिमांड्स हैं, जैसे अभी यहाँ पर मैंने वॉलीबॉल के लिए ग्राउंड भी यहाँ पे मैंने मेरे निधि से बना के लोगों के लिए दिया है, यहाँ के लड़कों के लिए तैयार किया है, और जहाँ तक हो सके लोगों के मैंने काम मेरे हाथ में जितना होता मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की हुई हूँ, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जब तक मेरे को मौका मिल रहा है तब तक मैं अपने लोगों की मदद करूँगी और काम पूरे करने की कोशिश करूँगी। आज प्रभाग क्रमांक 14 में लश्कर एरिया दाल गली में शाहजियापा शेख इनके भंडोली निधि में से यहाँ पर ड्रेनेज लाइन का जो उद्घाटन हुआ, उसी के साथ साथ 3 लाख का कंक्रीट रास्ता है, और आगे नीचे जो लश्कर एरिया है इकबाल डालेला जो नाना माजी नगर सेवक है उनके हॉल के सामने भी 6 लाख का जो कंक्रीट रास्ता है। तो यहाँ के लोगों की मांगनी थी, बहुत दिनों से यहाँ पर काम पेंडिंग था, इसलिए सब लोगों की मांगनी के अनुसार इस दाल गली में ड्रेनेज का कंक्रीट रोड का ये 5.5-6 लाख का है, और 6 लाख का काम आगे लश्कर के अंदर वहाँ पर भी है। तो यहाँ के लोग जो है लोग की मांगनी थी इसलिए यहाँ पर काम हुआ। शाहजहाँपा का जो 4 नगर सेवक है इस प्रभाग के अंदर, तो हर नगर सेवकों ने अपने अपने एरिया में वार्ड जो काम बांट कर लिए थे उस हिसाब से शाहजहाँपा घर लश्कर में रहने की वजह से लश्कर में शाहजहाँपा के निधि में से काम हुआ, और परसों ही जो उर्दू स्कूल नंबर 3 में कॉन्क्रीट रास्ते का हुआ, और दिगर बादशाहपेट में थोड़े कुछ एरिया में वहाँ पर भी शाहजहाँपा के फंड में से काम हुआ, और वहाँ पर जो बाकी 3 नगर सेवक है उनका भी काम हो रहा है। तो परसों ही जो डिबेट में दिखाया गया कि तीनों नगर सेवकों ने काम किया, कोई कम किया ज़्यादा किया ऐसा नहीं है, वार्ड के एरिया के अनुसार जो नागरिक मतदान चुन कर देते हैं उसी तरह नगर सेवक का फर्ज होता है उनके काम करना, काम को अंजाम देना। मैं तो ये कहूँगा चारों नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 14 में सक्षम है, कुछ जगह काम हुआ कुछ जगह नहीं हुआ, क्योंकि प्रभाग बहुत बड़ा होता है, लोग की मांगनी ज़्यादा होती है और फंड अवेलेबल कम मिलता है, इसलिए कुछ एरिया में काम होता कुछ एरिया में काम नहीं होता। चारों नगर सेवकों ने वहाँ पर मिलकर प्रभाग 21 में काम किया है, कुछ जगह नहीं हुआ मैं मानता हूँ नाराजी रहती है। तो इंशाल्लाह अभी ये आखिरी साल है, आखिरी साल में जो प्रभाग 21 में हर एरिया में काम हो रहा है उसी तरह सब नगर सेवक मिलजुल कर अभी जो आखिरी वक्त है सभी लोग काम करना, जो अधूरे काम है वो काम को पूरा करना, काम को अंजाम देना, जो लोगों को अपने वादा किया है वादे के खिलाफ नहीं जाना, वादा जो पूरा करना, इसलिए ऐसे में लोगों से गुजारिश करूँगा नगर सेवकों से चारों से, और इंशाल्लाह आपका काम अच्छा है इसी तरह आप काम करते रहो, क्योंकि काम ही देखकर जो मतदार आपको आगे बढ़े इंशाल्लाह चुन कर देंगे। इतना कहता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सोलापुर शहर का लोक प्रसिद्ध मोबाइल शॉप होमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम ने लाया है खास ग्राहकों के लिए मोबाइल महोत्सव।
एक ही जगह सभी प्रकार के लाइव डेमो देख सकते हैं। सबसे सस्ता सेल 0% डाउन पेमेंट में ऑनलाइन से भी कम कीमत में मिलेगा मोबाइल। वीवो, ओप्पो, वन प्लस, रेडमी, लावा, नोकिया, आईटेल मोबाइल, बजाज फाइनेंस और IDFC बैंक की सुविधा उपलब्ध है। कैशबैक के साथ सभी कंपनीज के एक्सेसरीज, नेट बैंड, बर्ड, पावर बैंक, चार्जर, स्पीकर, अमेजोन अलेक्सा, साथ ही साथ 0% डाउन पेमेंट पर स्मार्ट टीवी, MI, वन प्लस, कोडैक, एफ्लेकॉन जैसे ब्रांड के टीवी फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध। ऑल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सुविधा पर 5,000 रुपए तक का कैश बैक, डेबिट कार्ड पर EMI की सुविधा उपलब्ध। हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम, हुमा मेडिकल के सामने, 7 रास्ता, सोलापुर।